गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स छो बड़े को मेरी नमस्ते और छोटे का बहुत सारे प्यार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे एंड अपने अपने घर में अच्छे भी होंगे मैं भी ठीक हूँ एंड स्वस्थ हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ आप सब लोग भी ठीक रुके और ऐसे ही तरक्की करें जैसे कर रहे तो फ्रेंड्स आज बहुत दिन के बाद मैं मेरी ब्लॉग वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरी हम वर्क मेरी हाउस वर्क जो मेरी प्लेस की होती है वो शेयर कर रही हूँ आई होप आप सब लोग को वीडियो पसंद आएगी अगर आप सब लोग को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड चैनल का सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल के आइकन उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा फिर मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगी आप सब लोग के पास नोटिफिकेशन आएगी और आप लोग वीडियो देख पाएंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं मेरी मॉर्निंग की वर्क कर रही हूँ भी मैं घर में झाड़ू पोछा वह सब करके आ गई और इधर मैं आ गई बेड में इधर बेटी लेट तक सोती रहती है तो इसके लिए मैं अभी बेड ठीक कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेटी को अभी ट्यूशन भेजने के लिए उठाना पड़ा तो वो अब ब्रश कर रही है और मैं इधर आ गई घर के साफ सफाई करने में बिजी रह गई और अभी मैं बेड को कर सेट करने के बाद पूरे घर की सफाई कर ली हूँ और अब चलती हूँ थोड़ी सी कपड़ा है उसको फोल्ड करके बेटी को तैयार करती हूँ स्टडी के लिए हो जाएगी ट्यूशन इसके लिए तो देखिए बैठे भी सौंक के उठिए तो उसका मूड देखिए कैसे है तो उसको अच्छे से तैयार करना पड़ता है और ये मॉर्निंग में ना ट्यूशन जाती है नहीं है बहुत रहती है बहुत नौटंकी करती है फिर उसको भेजना पड़ता है देखिए कैसे कैमरा को देख के कैसे स्माइल कर रही है उसका पता चल गया है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद उसको मैं बैग दे दी और ऐसे वो तो जाती नहीं है वो पैसा मांगती है बोलती है मैं दुकान में कुछ खाऊंगी मुझे पैसा तो फिर मैं जाऊंगी इसके लिए मैं उसको दस रुपया दे दी और बिस्किट खाएगी तो मैं अब मेरी बैग भी रख ली और मेरी में वाक में लग गई तो मेरा घर का अंदर की जो वाक थी वो सारा फिनिश हो गई है घर के अंदर तो मैं जो झाड़ू पोछा वो सब कर ली थी अब मैं बाहर आ गई हूँ और मेरे ये पीछे के आंगन है सामने की आंगन और बैक साइड आंगन टू साइड आंगन है ये है मेरी घर के पीछे के आंगन मेरे ना घर में तीन साइड ही जो होता है आंगन है तो ये मेरी जो काव को निकालती हूँ बांधती हूँ ये साइड आंगन है तो देखिए मैं इधर अच्छे से एकदम साफ सफाई कर लूँगी इधर कल शाम तक तो जो बांध के रखी थी मैं ना लाली और काली को तो दोनों कितना गंदा कर दिए है और मैं ना शाम को झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ इस साइड में क्योंकि अब ना विंटर स्टार्ट हो गई है तो विंटर में इतना जल्दी शाम हो जाती है कि सब काम ख़त्म करके आते आते शाम हो जाती है और रात हो जाती है इसके लिए ना मैं रात को अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती हूँ इसके लिए मॉर्निंग में ही साफ करती हूँ देख सकते हैं कितने बड़े आंगन है ये तो मैं सिर्फ पीछे की साइड दिखा रही हूँ सामने की साइड भी मेरे आंगन है और बैक साइड भी है और ये जो है एक साइड में रहता है और फिर मैं आ गई मेरी काली और लाली के पास ये जो दिख रहा है ना मेरी काव की होम है बहुत ही प्यारा है ना मेरा न्यू बना है हम और देख सकते काली कितनी तेज भागती है ये ना खेत के तरफ जाने के लिए मुझे ऐसे खींच रही थी तो मैं इसको लेके आ गई और बांध दूँगी इसको जहाँ बांधती हूँ और ये तो सैता नहीं लाली देख सकती इसका शैतानी <laughs> ये जा नहीं रही थी मैं खींच रही थी और मुझे अपने तरफ खींच रही थी おおおおおもう。 लाली को ना हमेशा प्यार ही चाहिए इसको लगता है कि मॉर्निंग हो या शाम हो इसके पास बैठी रहूँ उसको प्यार करती रहूँ और देखिए काली भी मुझे किसे देख रही थी उसको भी थोड़ी सी प्यार से गले लगा ली फिर इन दोनों को मैं खाना दूंगी फिर मैं जाऊंगी मैं दूसरा काम करूंगी क्या करूं मॉर्निंग में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं इसके लिए सारा काम को एक एक करके करना पड़ता है तो अब इन दोनों को मैं दे दी घास खाने के लिए सूखे घास से धान की जो होती है ना वो तो मैं इन दोनों को दे दी अब जाऊंगी मैं बर्तन धुलने के लिए देखिए कितना सारा बर्तन है और मैं अच्छे से सारे बर्तन को भी धुल लूँगी सारे बर्तन को धुलने के बाद देखिए मैं पानी भी इधर भर रही हूँ क्योंकि मुझे तो कपड़ा भी धोना था और काव के हम भी साफ़ सफाई करनी है तो इसके लिए मैं पहले बर्तन को लेकर घर में रख लूँगी फिर जाऊँगी मैं काव के हम मैं इधर काव को मैं रात को बांधती हूँ कितना सारा गोबर फैला है देखिए उस साइड में जहाँ साफ दिख रहा है ना उधर लाली सोती है लाली ना इतना गंदा नहीं करता है घर लेकिन काली बहुत गंदी कर देती है देखिए कितना गंदी है तो इसके लिए मैं साफ कुछ साफ़ कर लूँगी अच्छे से और इसको ना मैं रोज़ धोती भी हूँ लेकिन शायद वो वीडियो मैं ना शूट नहीं कर पाई हूँ सिर्फ झाड़ू लगाई थी ना वो वीडियो में दिखाई हूँ आप सब लोग के साथ तो देख सकते हैं मैं अच्छे से सारे गब्बर को साफ कर लूँगी फिर इसको मैं झाड़ू लगा लूँगी जैसे कि ये क्लीन हो जाए और अच्छा दिखे और ऐसे बिना गाय हो या इंसान साफ सफाई प्लेस में रहेंगे तो ही अच्छा लगता है तो इसके लिए मैं मेरी गाँव सबको ना बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई प्लेस में रखती हूँ आप सब लोग देख ही है सकते हैं इतना अच्छा है इनका घर और ये ना न्यू बना है कुछ मंथ पहले ही जैसे कि वन मंथ जैसे ही हुआ है ज़्यादा ओल्ड नहीं है तो फिर मैं अच्छे से इसको झाड़ू भी लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर और भी ज़्यादा बार के और भी करूँगी तो फ्रेंड्स गांव में रहना इतना बिजी नहीं है क्योंकि गांव में बहुत सारा वार्क हो जाती है जैसे कि आ, मतलब टाउन में भी रहता है वार्क ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में रहता है काम तो हर जगह रहता है और घर तो सबका घर ही होता है ना फिर भी गांव का वार्क ज़्यादा हाड़ होती है और जल्दी ख़त्म नहीं होती है ये बात है और देखिए मैं इसको अच्छे से साफ कर ली हूँ और सारे जो सूखे घास था उसको भी साफ़ कर ली हूँ और ये देखिए ये ब्लैक कलर की जो है ना इसमें मैं काव को खाना देती हूँ और अभी ना जो सूखे घास में दी थी बाहर ना उसको मैं छोटा छोटा कटिंग करके दूंगी क्योंकि फिर वो ना अच्छे से खा लेते हैं अगर मैं ऐसे देती हूँ ना तो वो मतलब नुकसान कर देते हैं तो इसके लिए इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लूँगी और मेरे पास ना घास काटने का जो कटर आता है ना मशीन टाइप की वो नहीं है मैं उसको लाऊँगी लेकिन अभी तो मेरे पास दो ही का हुए और अभी इतना भी मतलब आ, मुश्किल नहीं है काटने के लिए तो इसलिए मैं ऐसे ही काट लेती हूँ और सारे घास उखे घास को मैं ऐसे काट लूँगी इसको हम हमारी तरफ ना कुट्टा बोलते हैं या पाल बोलते हैं पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो इसके लिए मुझे पता नहीं है ना हिंदी में क्या बोलते हैं मैं इससे सारे काट लूँगी और काटने के बाद इसको आ, दे दूँगी मेरी काली और लाली को और मेरी काली और लाली बहुत ही अच्छे है क्यूट है और बहुत ही बहुत ही प्यारे है आप सब लोग देख सकते हैं ये लोग बहुत प्यारे काऊ है काउ है लेकिन पूरे इंसान के जैसे ही रहते हैं इसके लिए इंधन बहुत अच्छे हैं तो पहले इंधनों को दे देती हूँ खाने के लिए तो फ्रेंड्स फिर ना मैं आगे कपड़ा धोने के लिए इधर हस्बैंड का कपड़ा है मेरा कपड़ा है और बेटी का भी कपड़ा है मैं रोज़ रोज़ कपड़ा धो लेती हूँ इसके लिए कपड़ा ज़्यादा गंदा नहीं होता है रोज रोज़ में जितना भी कपड़ा निकलता है साफ कर लेती हूँ फिर मैं सारा कपड़ा को धो के इसको सुखा लूँगी धूप में धूप में निकल आया था टाइम हो गया था आठ आठ बज गया था तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं आप लोग मैं मॉर्निंग में कितना जल्दी जागती हूँ कितना सारा काम करते करते मुझे आठ बज गया तो फिर ना मैं आ गई पानी लेके घर में और मेरे मोटू को देखना मेरी डॉ कैसे हो रही थी खाना मांग रही थी तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही फिर मिलेंगे और एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ आशा करती हूँ वीडियो आप सब लोग को पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आप लोग स्वस्थ रहिए खुश रहिए है, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ तब तक तो के लिए बाय बाय फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय ऑल टेक केयर